अखिलेश यादव के फैसले से केशव मौर्य के उड़े होश। केशव गुट को लेकर पूर्वांचल में कर दिया बड़ा भयंकर खेल। पूर्वांचल वोटरों को साधने के लिए खेला बड़ा भयंकर खेल लाल बिहारी यादव को बनाने जा रहे विधान परिषद का नेता। दोस्तों, यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी भयंकर खबर चर्चा में। भाजपा में सीएम योगी और केशव मौर्य की तकरार के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा भयंकर खेल कर दिया। केशव गुट की गुटबाजी को देखते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की ओर कदम बढ़ाकर यूपी की सियासत में और हलचल पैदा कर दी, जिसके बाद से भाजपा को और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पूर्वांचल के ज्यादातर नेता मंत्री विधायक केशव गुट में शामिल हैं, जो लगातार योगी सरकार का विरोध करते हुए चर्चा में बने रहते हैं। चाहे वो संजय निषाद हो या फिर ओम प्रकाश राजभर या एमएलसी विधायक, अब इन्हीं सब सियासी समीकरणों को साधते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बड़ी भयंकर चाल चल चुके हैं। अखिलेश यादव ने अब की बार पूर्वांचल को साधने के लिए यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद से भाजपा में जोरदार भिड़ंत होगी। अखिलेश के फैसले से भाजपा में जोरदार भिड़ंत। पूर्वांचल के वोटरों को साधने की बड़ी भयंकर प्लानिंग। लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में बनाया विरोधी दल का नेता। अखिलेश यादव के इस फैसले से सीएम योगी और केशव मौर्य के उड़े होश। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव विधान परिषद में पार्टी के नेता के नाम को मंजूरी दे चुके हैं। सदन में अब लाल बिहारी यादव विधान परिषद में सपा के नेता विरोधी दल के होंगे, जिसको लेकर विधान परिषद के सभापति को भेज दिया है। बता दें, अखिलेश यादव ने जिसे विरोधी दल का विधान परिषद का नेता बनाया है, वो पूर्वांचल यानी अम्बेडकर नगर के निवासी हैं। हाल ही में 13 एमएलसी के चुनाव के बाद सपा का संख्या बल बढ़ा है। नेता विरोधी दल होने के लिए विधान परिषद में 10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। सपा विधान परिषद में 10 एमएलसी की संख्या बल तक पहुंच गई है। इसके अलावा सपा ने किरणपाल कश्यप को मुख्य सचेतक और आशुतोष सिन्हा को सचेतक, मोहम्मद जासमीर अंसारी को उपनेता नियुक्त किया है। बता दें, 100 सदस्य विधान परिषद में बीजेपी के नवासी, सपा के 10, अपना दल, निषाद पार्टी, रालोद, सुभाषपा, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक के एक एक सदस्य हैं। वहीं शिक्षक दल से 1, निर्दलीय समूह से 2 और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। इसके अलावा 1 सीट खाली है। वहीं विधान परिषद में नेता सदन राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित शर्मा। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।